आज हम पढ़ेंगे हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे टॉप पे जो है वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग का नाम आपने शायद पहले से सुना हो, इसको आज हम जरा तफसील से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स होती क्या है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज डिफाइंड एज ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच द रिसर्चर सेलेक्ट सैंपल बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर रादर देन ए रैंडम सिलेक्शन। कहता है कि जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो रिसर्चर होता है वो एट रैंडम आपका सैंपल सेलेक्ट नहीं करता, यानी कि बाय चांस सेलेक्ट नहीं करता, अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेता है, अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेता है। तो अपनी मर्जी से कब सेलेक्ट करेगा वो, जब उसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक, और उसकी एक्सपर्टीज होंगी, उनको इस्तेमाल करते हुए फिर वो सेलेक्शन करता है, ठीक, जो कि रैंडम सिलेक्शन नहीं होती। इट इज ए लेस स्ट्रेटन्ड मेथड। कहते हैं ये मेथड जो होता है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। दिस सैम्पलिंग मेथड डिपेंड हैवीली अपॉन एक्सपर्टीज ऑफ द रिसर्चर, यानी कि ये जो सैम्पलिंग मेथड होता है, जो रिसर्चर होता है उसकी खसूसियात और उसकी एक्सपर्टीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इट इज़ कैरीड आउट बाय ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्चर यूज इट वाइजली इन क्वालिटेटिव रिसर्च। कहता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये तरीके इस्तेमाल होते हैं जो कि नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक होती है। अपना माइक्रोफोन बेटा ऑफ कर दे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग मेथड इन विच नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी। ठीक, कहता है ऐसे सैंपलिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर तमाम सैंपलिंग यूनिट्स जो होते हैं उनको इक्वल चांस नहीं दिया जाता कि वो स्टडी के अंदर सिलेक्ट हो। अनलाइक द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरह ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए नोन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, जो कि हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज द मोस्ट यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी स्टडीज लाइक ए पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है, जब आप कोई सैंपल सिलेक्ट करना चाहते हैं या एक बड़ी स्टडी करना चाहते हैं उससे पहले आप एक छोटी स्टडी करते हैं, उसको आप पायलट सर्वे कह देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आप पॉपुलेशन के बारे में छोटी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, वो आपको आगे बड़े पायलट सर्वे करने में आपको मदद फराहम करती है, उसको कहते हैं हम पायलट सर्वे। रिसर्चर यूज दिस मेथड्स इन स्टडीज वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रा रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। मतलब बाद अवकात रिसर्चर जो होता है उसके पास इतने टाइम नहीं होता, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल करने में आपका टाइम भी इस्तेमाल होता है और कॉस्ट भी लगती है। तो जब आपके पास बजट कम होता है रिसर्चर के पास तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के तरफ आ जाता है। जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अपनी स्टडी को जनरलाइज नहीं कर सकते पूरी पॉपुलेशन के लिए, वो सिर्फ उन्हीं एरियाज के लिए होती है जहाँ से आपने जिस एरिया से आपने सैंपल लिया। अच्छा, आगे नॉन सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं चार पांच, वो हम देख लेते हैं।
पहली जो है वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसको हैप हजार्ड और एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं, इसके और भी कई नाम है। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या करते हैं हम, कन्वीनियंस सैंपलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक वेयर सैंपल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ओनली बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल फॉर द सर्जन। 5 सेकेंड। हाँ जी, कहता है कि ना इस सैंपलिंग टेक्निक में सिर्फ वही एलिमेंट्स जो है या इंडिविजुअल्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं पॉपुलेशन में से जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो, यानी कि जो स्ट्रीट्स में फिर रहे हो, मॉल्स में फिर रहे हो, जिनके लिए आपको घरों में ना जाना पड़े या उनके ऑफिस में ना जाना पड़े। रिसर्चर चूजेज दोज सैंपल जस्ट बिकॉज दे आर इजिली टू रिक्रूट। रिक्रूट का मतलब शामिल किए करना। एंड द रिसर्चर डिड नॉट कंसीडर सिलेक्टिंग ए सैंपल दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। और रिसर्चर जो होता है वो ये नहीं देखता कि ना जो मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट, आइडियली इन रिसर्च इट इज गुड टू टेस्ट ए सैंपल दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। लेकिन वो कहते हैं रिसर्च में ये अच्छा होता है कि आप ऐसा सैंपल ड्रा करें जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। बट इन सम रिसर्च द पॉपुलेशन इज टू लार्ज टू एग्जामिन एंड कंसीडर द इंटायर पॉपुलेशन। कहते हैं बाज़ औक़ात पॉपुलेशन जो होती है आपकी बहुत बड़ी होती है और उसको स्टडी करना, सारी को स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है। इट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई रिसर्चर रिलाई ऑन कन्वीनियंस सैंपलिंग व्हिच इज द मोस्ट कॉमन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल। तो इसकी उसने 3 एडवांटेजेस आपको बता दिए, जिसके अंदर क्या कह रहा है, इसकी इस सैम्पलिंग टेक्निक की स्पीड तेज होती है, यानी कि आप सैंपल जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइम आपको कम लगता है, कॉस्ट जो होती है आपकी वो कम होती है और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है आपका सैंपल। इसकी फुल डिटेल जो है वो नीचे दी गई है, उसको भी हम जरा देखते हैं। देखिए अब इसका एक नाम और नाम भी आ गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आल्सो नोन एज अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड दैट रिलाइज ऑन डाटा कलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन मेंबर्स हु आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन स्टडी। ठीक, आगे वो छोटी सी एग्जांपल भी दे रहा है कि कन्वीनियंटली अवेलेबल कैसे हो सकते हैं। फेसबुक पोल्स और क्वेश्चनियर कैन बी मेंशन एज ए पॉपुलर एग्जाम्पल फॉर कन्वीनियंस सैंपलिंग। फेसबुक पे भी आप ये क्वेश्चन लोगों को डाल सकते हैं, जो कि लोग अवेलेबल होंगे, जिनके पास टाइम होगा वो इसको फिल करके भेज देंगे। कन्वीनियंस सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ सैंपलिंग वेयर द फर्स्ट अवेलेबल प्राइमरी डाटा सोर्स विल बी यूज्ड फॉर द रिसर्च विदाउट एडिशनल रिक्वायरमेंट। वो कहते हैं पहला जो आपका सैंपल होता है जो कि आपको पहले पहले मिल जाते हैं सैंपलिंग यूनिट्स, प्राइमरी डाटा जो सोर्स जो होता है वो जब आपको मिल जाता है तो वहीं से आप सैंपल ड्रा कर लेते हैं। इन अदर वर्ड दिस सैंपलिंग मेथड इन्वॉल्व गेटिंग पार्टिसिपेंट वेयर एवर यू कैन फाइंड देम, यानी कि जहाँ से आपको कोई पार्टिसिपेंट मिल जाता है वहाँ से आप उसको ले लेते हैं, उसको रिक्रूट कर लेते हैं। एंड टिपिकली वेयर एवर इट इज कन्वीनियंट, जहाँ पे आपको इजिली अवेलेबल हो, स्कूल्स में चले जाए वहाँ से ले लें, कॉलेजेस में चले जाए, मॉल्स में चले जाए, मॉल्स में रश ज़्यादा होता है, हर किस्म के लोग अवेलेबल होते हैं वहाँ पे चले जाए। इन कन्वीनियंस सैंपलिंग नो इंक्लूजन क्राइटेरिया आइडेंटिफाइड प्रायर टू द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट।
कोई भी रूल्स, कोई कानून नहीं होते कि आपने जो सैंपलिंग यूनिट्स हैं वो किस तरह से लेने हैं, कोई भी पहले से डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे आपकी मर्जी होती है वैसे आप ले लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स आर इनवाइटेड टू द टू पार्टिसिपेट। सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उन सबको मौका दिया जाता है कि वो स्टडी में शामिल हो सके। अब एग्जाम्पल भी दे रहा है, इन बिजनेस स्टडीज दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू गेन इनिशियल प्राइमरी डाटा रिगार्डिंग स्पेसिफिक इश्यूज सच एज परसेप्शन ऑफ इमेज ऑफ ए पार्टिकुलर ब्रांड और कलेक्टिंग ओपिनियन ऑफ प्रिस्पेक्टिव कस्टमर्स इन रिलेशन टू ए न्यू डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर कंपनी नया कोई डिजाइन बना रही है, नया नया कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके बारे में लोगों से इंफॉर्मेशन लेना है कि आप इसको कैसा समझते हैं। इसी तरह से नीचे और भी कुछ एग्जांपल है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन है, तो हो सकता है पॉपुलेशन का ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाए, नीचे वाला हो जाए, शायद हो जाए। यहाँ पे इसने ये वाला सेलेक्ट किया। कन्वीनियंस फार्मिंग टेक्निक मे प्रूव टू बी इफेक्टिव ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन स्टेज ऑफ द रिसर्च एरिया। कहते हैं कि ये जो सैम्पलिंग मेथड है ये काफ़ी अच्छी साबित होती है जब आप डाटा कलेक्शन के एक्सप्लोरेशन स्टेज पे होते हैं, एंड व्हेन कंडक्टिंग ए पायलट डाटा कलेक्शन, जब आप छोटा सर्वे कर रहे होते हैं, जब पायलट सर्वे कर रहे होते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई आप क्या ढूंढना चाह रहे होते हैं, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस शॉर्टकमिंग एसोसिएटेड विद द क्वेश्चनर डिजाइन। जो आपके क्वेश्चनर जो आप बनाया हुआ है उसके अंदर अगर कोई फ्लॉज हैं तो वो पायलट सर्वे से आपको सामने आ जाते हैं। एप्लीकेशन है ये कुछ मुख्तलिफ एरियाज में, इसको हम देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ये आपको डॉक्यूमेंट में फॉरवर्ड कर दूंगा। The use of convenience sampling technique is discouraged by many dissertation supervisors. कहते हैं कई PhD supervisor, MPhil supervisor जो होते हैं, जो कि आपको रिसर्च करवाते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो इस सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने से मना करते हैं, डिस्करेज करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू द इनएबिलिटी टू जनरलाइज द रिसर्च फाइंडिंग। जो आप रिसर्च फाइंड करते हैं, जो आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं, उनको आप जनरलाइज नहीं करते, बाकी लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। फाइंडिंग द रेलिवेंस ऑफ बायस एंड हाई सैंपलिंग एरर। क्यों? केस के अंदर बायस भी आ सकता है क्योंकि आपकी सिलेक्शन जो है वो रैंडम नहीं है इस वजह से, और सैंपलिंग एरर जो होता है वो भी इसका काफी हाई होता है। नेवरदलेस कन्वीनियंस सैंपलिंग मे बी द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन सर्टेन सिचुएशन। कहते हैं बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है यहाँ पे हमारे पास कन्वीनियंस सैंपलिंग ही अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल दे रहा, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यू इंटेंड टू यूज एज ए केस स्टडी इज कन्वीनियंट बिकॉज यू हैव बीन एबल टू निगोशिएट एक्सेस थ्रू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। कहते बाद ऐसा होता है कि ना आप कंपनी के जो MD है या जो जो भी है, क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा मुझे, जो कंपनी का हेड होता है, उससे बात कर चुके होते हैं, निगोशिएशन कर चुके होते हैं अपने रिसर्च के बारे में कि मैं जो यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी वो या करूँगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा, वो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, और वो आपको इजाज़त दे चुका होता है। इस वजह से आप भी कन्वीनियंस सैंपलिंग करते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, इसको भी हम देख लें। 5 सेकंड का मैं वक्फा लेता हूँ।
बता दीजिए। यूजिंग कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड यू कैन सेंड लिंक टू द ऑनलाइन क्वेश्चनियर टू इंडिविजुअल ऑन योर मोबाइल कॉन्टैक्ट्स लिस्ट टू इंडिविजुअल यू आर कनेक्टेड टू वी आई ए का मतलब के जरिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स उनके नाम बता रहे हैं फेसबुक होता है लिंक लिंक्ड लिंक्डइन भी है गूगल प्लस एंड टू इंडिविजुअल होम यू पर्सनली नो इन पर्सन कहते हैं इन चीज़ों के थ्रू आप कन्वीनियंस सैंपलिंग कर सकते हैं इन मीन्स के थ्रू इन टूल्स के थ्रू दिस वुड बी द इजिएस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ रिक्रूटिंग द सोर्सेज ऑफ द प्राइमरी डाटा फॉर योर रिसर्च। इसके कुछ एडवांटेजेस भी यहाँ पे लिस्टेड हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिस्टेड हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सिंपलिसिटी ऑफ सैम्पलिंग एंड द ईज ऑफ रिसर्च यानी कि सिंपल होती है इसमें कोई मेहनत नहीं होता कॉम्प्लिकेशन नहीं होती ना कोई स्टार्टअप होते हैं ना कोई क्लासिफिकेशन होती है किसी तरह की कुछ नहीं चीज नहीं होती जो बंदे आ रहे हैं उनको लगाते अपने सैंपल में लेते हो। हेल्पफुल फॉर पायलट स्टडीज एंड फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन यानी कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है उसको आप प्रायोरी इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं जो कि आप पायलट सर्वे से करते हैं उससे आप अपना हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। डेटा कलेक्शन कैन बी फैसिलिटेटेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम से कम टाइम में आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। चीपेस्ट होती है चीपेस्ट का मतलब कम पैसे लगते हैं टू इम्प्लीमेंट दैट अल्टरनेटिव सैम्पलिंग मेथड। बाकी जो सैम्पलिंग मेथड है जैसा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उनके निस्बत काफ़ी आसान होती है। अच्छा डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी दिए हुए हैं तीन है हाईली वल्नरेबल होती है टू द सिलेक्शन ऑफ बायस यानी कि इसके अंदर बायस इजिली आ जाते हैं ठीक एंड इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर और कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा सैम्पलिंग एरर जो होता है वो इसका बढ़ा जाता है। तीसरा स्टडी दैट यूज कन्वीनियंस सैम्पलिंग हैव लिटिल क्रेडिबिलिटी ड्यू टू रीजन अबव क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती ठीक और इसके अंदर सैम्पलिंग एरर भी ज़्यादा आ जाता है बायस भी आ जाता है ठीक बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं तो इस वजह से इस सैम्पलिंग टेक्निक को इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं तस्वर किया जाता ज़्यादा क्रेडिबल और क्या कर सकते हैं एक्यूरेट कह सकते हैं या काबिल एतबार नहीं ये सैम्पलिंग टेक्निक। ओके जी इसके साथ ही आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं आज भी इतना काफ़ी है ठीक आपने और स्टडीज भी करनी है। हाँ जी आज कौन कौन आया हुआ है अनम है सलमान है अरसल है मरियम है मरियम उठ गई थी आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी जब किसी ने उठाया है नाश्ता कर लिया या मुंह बगैर बगैर मुंह धो के बैठ गई हो। सर मैं नाश्ता नहीं करती क्यों ऐसे ही बस मैं तो कर रहा हूँ एक मिनट अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई बाहरों केड़ी शादी आवाज लेना मत रेडी वाला गोलगप्पे हाँ छांट कुणा लाओ सी बेटा सब कुछ दिया है ठीक है ये जो रिकॉर्डिंग मैंने चलाऊंगा ना उसको जरा गौर से सुनना और खुद भी कुछ स्टडी किया करो सर ये खुद करते हैं बैठो सामने बैठो सुन लो मैं क्वेश्चन किया ना उसका जवाब ही ले लो
छोटे बच्चे नहीं हो जो हर चीज किताब में से मिले, इंटरनेट अवेलेबल है वहां से सर्च करो, ठीक है ना। बहुत सी चीजें होती हैं जो किताबों में नहीं होती, किताब में से इसको कन्वीनियंस था, लेकिन डेफिनेशन तो लिख के बताओ। अपना वो देखो सिलेबस, उसके नीचे देखो कितनी किताबें लिखी हुई हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की, तो ये जो रेफरेंस बुक है, तो आपको मैं सारी बुक्स ले लो, फिर उनमें से स्टडी करो कन्वर्जेंट सैंपलिंग क्या होती है। हाँ जितना अच्छा पढ़ा रहो, दरमियान में तुमने वो लाजमी मारना होता है ऐसे, बाकी जो पढ़ाते हैं ना ऊपर ऊपर से है, वो तुम्हारे साथ सही करते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। इतनी मेहनत करके सारा सारी स्लाइड बनाई थी, सारा खराब कर दिया।